नमस्कार दोस्तों, सरकारी परीक्षा के समसामयिक अंक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हम आज भी इसमें डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स यानी कि समसामयिक विषयों पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। तो चलिए रोज की तरह इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक इंपॉर्टेंट कोट से। हमारा आज का कोट है, डोंट काउंट योर डेज, मेक योर डेज काउंट। यानी आप अपनी जिंदगी में आने वाले दिनों को काउंट मत करिए, बल्कि उन दिनों में एक तरीके से अचीवेबल काम करिए या कुछ उपलब्धि हासिल करिए, या एक तरीके से उन डेज को अचीवर डेज में कन्वर्ट करिए। ये तभी हो पाएगा जब आप अपने डेज को एक तरीके से प्लान करेंगे, एक डेली प्लान के रूप में एक तरीके से उनको कन्वर्ट करेंगे। यानी कि आप अपना जो भी लक्ष्य हासिल करना चाह रहे हैं, जो भी गोल हासिल करना चाह रहे हैं, उनको हासिल करने के लिए अपने हर एक दिन की एनर्जी को एफिशिएंट वे में यूज करिए, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि हम लोग एक तरीके से किसी स्पेशल डे की या स्पेशल मौसम की राह में पड़े रहते हैं कि यार ये कोई स्पेशल दिन आएगा, शुभ मुहूर्त निकलेगा, कोई अच्छा सा मौसम आएगा, तब इस काम को स्टार्ट करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हर दिन जो होता है वो अपने आप में एक नया सवेरा लेकर आता है, एक नया मौसम लेकर आता है, और जरूरी नहीं है कि वह सवेरा वह मौसम आपके अकॉर्डिंग हो। हाँ, आपको उस सवेरे को या उस दिन को और उस मौसम को अपने फेवर में करना होता है, राइट? और तभी आप उस डे को अपने लिए फ्रूटफुल बना पाते हैं, राइट? बिकॉज कोई भी मतलब गर्मी के दिन में गर्मी होगी, बरसात के दिन में बरसात होगी, और ठंड के दिन में ठंड होगी। आप इस नेचर को नहीं बदल सकते हैं, राइट? यही संसार का नियम है बच्चा, राइट? तो आप इसको इसी तरीके से लीजिए। आप अपने हर एक डे को एक तरीके से फ्रूटफुल बनाइए, उसके लिए एक्शन प्लान बनाइए, और एक शुभ मुहूर्त के इंतजार में कभी मत रहिए, राइट? क्योंकि हर दिन आपके लिए एक नया सवेरा है, उसको आपको सिर्फ कन्वर्ट करना है एक अच्छे दिन के रूप में, राइट? यही मैसेज है आज के इस कोट का, राइट? तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। ज़्यादा प्रवचन नहीं देना है, बिकॉज आप लोग बहुत समझदार हैं, राइट? हालांकि ये जो कोड्स होते हैं, ऐसे कोड जब आप पढ़ते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, तो कई बार ऐसे कोड्स आपके थॉट प्रोसेस को, आपके एक्शन प्लान को एक स्ट्रीमलाइन में ले आते हैं। और जब आपका एक्शन प्लान, आपका थॉट प्रोसेस स्ट्रीमलाइन में आता है, तो आपकी जो एनर्जी है वो एफिशिएंट वे में यूज हो पाती है, और आप अपने लक्ष्य को हासिल कर पाते हैं, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, Who has been appointed as the Deputy Chief of Army Staff of the Indian Army? भारतीय सेना के आर्मी स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस गिवन है यहाँ पे, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, लेफ्टिनेंट जनरल चनीरा बंसी पोनप्पा, या लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी, या जनरल मनोज मुकुंद नरावड़े। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जान लेते हैं। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है लेफ्टिनेंट जनरल चनीरा बंसी पोनप्पा, राइट? नाम अच्छे से याद कर लें, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, बिकॉज ये जो है भारतीय सेना के आर्मी स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में नियुक्ति है, अपॉइंटमेंट है, राइट? तो एक तरीके से डिप्टी जो चीफ होते हैं या जो चीफ होते हैं, इन दोनों के टर्म में क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो ये नाम बिल्कुल अच्छे से याद कर लें। बात हो रही है डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी की। अगर हम यहाँ पे अदर ऑप्शंस की बात करें लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे की, तो मैं आपको बता दूं कि लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जो हैं वो वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, राइट? वहीं अगर हम बात करें लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी की, तो मैं आपको बता दूं कि यह जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ सेंट्रल कमांड में हैं, राइट? और अगर हम बात करें जनरल मनोज मुकुंद नरावड़े, तो आप सबको पता है कि वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, राइट? तो ये तीनों नाम आप अच्छे से याद कर लें, और इनकी इनका जो पद है वर्तमान में वो भी याद रखें, पूछा जा सकता है। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has been appointed as the first National Maritime Security Coordinator NMSC in the National Security Council Secretariat? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक यानी कि NMSC के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, जी अशोक कुमार, करमवीर सिंह, सुनील लांबा, या देवेंद्र कुमार जोशी। तो इनमें करेक्ट ऑप्शन जान लेते हैं। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है जी अशोक कुमार जी। तो जी अशोक कुमार जो हैं वो क्या हैं, यहाँ पे फर्स्ट नेशनल मैरिटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के तौर पर यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं, राइट? और ये जो पद है वह कहाँ पे है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट में, राइट? तो ये पहली बार है ये अपॉइंटमेंट, आप इसको अच्छे से याद कर लें, नाम और डिपार्टमेंट पूछा जा सकता है।
राइट। और अगर हम यहाँ पे अदर ऑप्शंस की बात करें, करमवीर सिंह, सुनील लांबा, देवेंद्र कुमार जोशी, तो आप सबको ये मालूम होगा, और जिनको नहीं मालूम है मैं बता दूं कि ये सारे के सारे जो नाम हैं वो फॉर्मर चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ के नाम हैं, राइट, याद कर लें। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच रेगुलेटरी बॉडी हैज अनाउंस द प्रोविजन ऑफ सेपरेशन ऑफ द पोस्ट ऑफ चेयरमैन एंड MD CEO फॉर लिस्टेड कंपनीज फॉर फ्रॉम मैंडेटरी टू वॉलेंट्री। किस नियामक संस्था ने सूचीबद्ध कंपनियों के लिए अध्यक्ष और MD या CEO के पदों को अलग करने का प्रावधान अनिवार्य की जगह स्वैच्छिक करने की घोषणा की है? यहाँ पे ऑप्शन गिवन है SIDBI, SEBI, IRDAI या NABARD। तो चलिए इसका भी करेक्ट ऑप्शन जानते हैं फटाफट। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है SEBI। जी, तो SEBI ने ये घोषणा की है, अनाउंसमेंट की है कि जो भी कंपनीज अपने यहाँ पे MD और CEO के पद को एक तरीके से उसमें अपॉइंटमेंट रखती थी, नामित करती थी या नियुक्तियाँ रखती थी और उनके लिए अभी तक अनिवार्य था, अब इसको स्वैच्छिक रख दिया गया है, वॉलंटरी कर दिया गया है, यानी कि कंपनीज अपने यहाँ पे इन पद को रख भी सकती हैं और नहीं भी रख सकती हैं, राइट। तो अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है ये SEBI की, राइट। बिकॉज आपको मालूम होना चाहिए कि SEBI जो है, अगर पहले मैं इसके फुल फॉर्म की बात करूं तो SEBI का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसी को शॉर्ट में बोला जाता है SEBI, राइट। तो SEBI जो है वो एक रेगुलेटरी बॉडी है, और किसके लिए रेगुलेटरी बॉडी है ये इंडिया में जो सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी की मार्केट है उस मार्केट को रेगुलेट करती है यह जो बॉडी है, राइट। और जैसे मैंने आपको बताया कि यह जो बॉडी है वो एक तरीके से रेगुलेट करती है सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी मार्केट को, तो ये जो रेगुलेशन है वह रेगुलेशन पूरी पावर के साथ होता है, यानी कि यह एक स्वायत्त निकाय है, राइट। ये आप अच्छे से दिमाग में रख लीजिए, यह एक स्वायत्त निकाय है और यह मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करती है, राइट। अगर इसके एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि इसका एस्टैब्लिशमेंट जो है वो 12 अप्रैल 1988 को होता है, लेकिन एक स्टेचुरी बॉडी के रूप में या स्टेचुरी पावर के रूप में इसको जब एस्टैब्लिश किया जाता है, यानी कि जब स्टेचुरी पावर्स दी जाती हैं, तो वह ईयर होता है 30 जनवरी 1992, राइट। कब दिया जाता है? 30 जनवरी 1992, राइट। ये वही साल है, वही साल के आसपास का समय है जब क्या है, हर्षद मेहता का केस हुआ था, राइट। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था जब वो केस हुआ था, तो उसके बाद ऐसे संस्थान की या ऐसे बॉडी की सख्त जरूरत महसूस हुई जो एक तरीके से सिक्योरिटीज एंड कम्युनिटी मार्केट को रेगुलेट कर पाए पूरी पावर के साथ, राइट। तो तब 1992 में इसको स्टेचुरी बॉडी की सारी पावर्स दी जाती हैं, और तब से यह अब तक काफ़ी एक तरीके से अचीवमेंट्स हासिल कर चुकी है बॉडी। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें, तो मैं आपको बता दूं कि जो भी कंपनीज हैं या जो भी एक तरीके से सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी की मार्केट है, उस मार्केट को यह जो बॉडी है वो उस मार्केट के लिए जो बेसिकली लॉज हैं वो ये संस्था अप्रूव करती है अंडर द सिक्योरिटी एक्सचेंज लॉ के माध्यम से, राइट। और अगर हम दूसरे रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, फंक्शन की बात करें, तो यह बेसिकली जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज एक तरीके से अमेंडमेंट्स हैं उनको भी करती है, उनको भी लागू करती है, राइट। तो ये भी एक तरीके का यहाँ पे अमेंडमेंट है कि ये क्या कर दे रही है, मैंडेटरी कंडीशन से या वॉलंटरी कंडीशन ला दे रही है MD एंड CEO की पोस्ट को, राइट। तो ये एक नोटेबल यहाँ पे डिसीजन है, इसको आप जरूर याद करिएगा SEBI के टर्म में, राइट। ये पूछा जा सकता है। दूसरा, अगर हम यहाँ पे बात करें, थर्ड फंक्शन की बात करें, तो ये अपने आप में एक तरीके से जो भी रिकॉग्नाइज्ड सिक्योरिटीज एक्सचेंजेस हैं इंडिया में, उन एक्सचेंजेस की जो अकाउंट्स बुक्स हैं उन अकाउंट्स बुक्स को भी ये इंस्पेक्ट कर सकती है, ऑडिट कर सकती है, और कमियां आने पर यानी कि खामियां मिलने पर उसके लिए दंड भी, एक तरीके से दंड का भी ये प्रावधान करती है, राइट। तो अपने आप में ये मतलब कि क्वासी जुडिशरी के माध्यम से भी ये काम करती है, क्वासी जुडिशरी का भी एक तरीके से इसके पास पावर है, राइट। तो ये भी एक दिमाग में रखिए। और अगर हम बात करें कि ये जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएट हैं, यानी कि जो फाइनेंशियल मार्केट में मध्यस्थ की तरह काम करते हैं, खासतौर पर जो ब्रोकर्स हैं, और ब्रोकर्स की जो संस्थाएं हैं या जो कंपनीज हैं, उनको भी ये कंपनी या ये बॉडी रेगुलेट करती है, राइट। उनकी भी बुक्स को, उनके भी अकाउंट बुक्स को ये इंस्पेक्ट कर सकती है और ऑडिट कर सकती है। मैं आपको इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज ये जो एक तरीके से बॉडी है SEBI, वो
इकोनॉमिक्स मतलब पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स का जो सेगमेंट होता है, खासतौर पे जो सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसी बॉडीज को पढ़ना, उनकी पावर्स को समझना, उनके फंक्शंस को याद करना, ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं, राइट? तो आप याद कर लें। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर हैज द वेस्ट वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम रिसेंटली बीन लॉन्च्ड बाय सिडबी? हाल ही में सिडबी द्वारा वेस्ट वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन गिवन है बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल या झारखंड। तो चलिए इसका भी करेक्ट ऑप्शन जानते हैं। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है वेस्ट बंगाल। जी, वेस्ट बंगाल में यहाँ पे एक प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसका नाम है वेस्ट वेल्थ क्रिएशन, और ये किसके माध्यम से शुरू किया गया है? सिडबी ने इसको बेसिकली स्टार्ट किया है, लॉन्च किया है, राइट? यहाँ पे प्रोग्राम का नाम अच्छे से याद कर लें जिसका नाम है वेस्ट वेल्थ क्रिएशन, राइट? ये प्रोग्राम है क्या, इसके बारे में भी जान लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि यह जो प्रोग्राम है वो सिडबी ने लॉन्च किया है, राइट? और सिडबी ने ये जो प्रोग्राम रखा है वो एक तरीके से पश्चिम बंगाल की जो महिलाएं हैं और पश्चिम बंगाल का जो वेस्ट एक तरीके सॉरी साउथ पार्ट है, साउथ के जो 24 परगना जिले हैं उन जिलों के बेसिकली सुंदरवन में मछली के सल्क से गहने और शोपीस बनाएंगी। मतलब कि साउथ परगना, साउथ मतलब साउथ बंगाल के 24 परगना जिले की जो महिलाएं हैं वह सुंदरवन की मछलियों के सल्क से गहने और शोपीस बनाएंगी, राइट? और उसकी बकायदा एक तरीके से ट्रेडिंग की जाएगी, मतलब उनकी इस कला को देश में पहचान दिलाना है और उनको फाइनेंशियल एम्पावरमेंट भी देना है, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रोग्राम है। और इसमें खास बात ये है, बात ये की जा रही है कि सुंदरवन में जो एक तरीके से मछलियां मिल रही हैं तो उन मछलियों के सल्क से गहने और शोपीस बनाए जाएंगे। सल्क आप समझ रहे हैं एक तरीके से मछली का जो छिलका कह लें आप, जिसका ऊपरी हिस्सा होता है, राइट? तो उस पार्ट से जो एक तरीके से गहने हैं और शोपीस बनाने की बात की जा रही है। तो अपने आप में ये भी एक यूनिक कला है जिसको जरूर प्रमोट किया जाना चाहिए, राइट? तो आप इसको अच्छे से याद कर लें। अब यहाँ पे देखिए फिर सिडबी का नाम आ रहा है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, राइट? और पॉलिटी एंड इकोनॉमिक सेगमेंट के अंदर ये भी पूछा जा सकता है, तो आपको इसके बारे में भी एक तरीके से डिटेल में मालूम होना चाहिए। हालांकि मोटा तौर पर मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जो सिडबी है वो एक तरीके से यहाँ पे जो एमएसएमई सेक्टर है, इंडिया का जो एमएसएमई सेक्टर है, यानी कि जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर है, उस सेक्टर को एक तरीके से क्रेडिट सिस्टम प्रोवाइड कराना है या क्रेडिट देना है, ताकि ये जो सेक्टर हैं, इस सेक्टर के जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं उनको फाइनेंशियल क्रेडिट दी जा सके, फाइनेंशियल एम्पावर किया जा सके, ताकि वो देश की जीडीपी में हिस्सा ले पाए, राइट? तो एक तरीके से मोटे तौर पे आप ये समझ सकते हैं कि जब पार्लियामेंट में 1990 में एक एक्ट के माध्यम से इसको एक तरीके से लागू किया जाता है सिडबी को, तो पर्पज यही रहता है कि जो एक तरीके से एमएसएमई सेक्टर है, एमएसएमई सेक्टर के डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं उनके बीच जो एक तरीके का फाइनेंशियल गैप है, उस गैप को भरा जा सके और उनको क्रेडिट दिया जा सके, ताकि वो अपनी नीड को पूरा कर पाएं और देश के प्रोडक्शन में हेल्प दे पाएं और रोजगार सृजन भी कर पाएं, ऑब्वियसली, राइट? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अलग से ढंग से पढ़ लें सिडबी को, बिकॉज ये पॉलिटी एंड इकोनॉमिक सेगमेंट में ये भी पूछा जा सकता है। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following ministry has recently launched a scheme named SEED? निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में SEED नामक योजना शुरू की गई है? यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, या मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। तो इसके लिए भी करेक्ट ऑप्शन जानते हैं फटाफट। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, राइट? तो मिनिस्ट्री का नाम अच्छे से याद कर लें। और बात की जा रही है यहाँ पे स्कीम की, स्कीम का नाम क्या है? सीड, राइट? तो ये अच्छे से याद कर लें। देखिए कई बार क्या होता है कि स्कीम का नाम पूछ लिया जाता है उसके डिपार्टमेंट से, उसके पर्पस से, या कई बार जब स्कीम जो है अब्रिवेशन फॉर्म में रहती है तो उसके फुल फॉर्म का भी नाम पूछ लिया जाता है, राइट? तो अब देखिए यहाँ पे ये भी अब्रिवेशन फॉर्म में ही है, राइट? सीड, यानी कि अगर इसके फुल फॉर्म को देखें तो इसका फुल फॉर्म होता है स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNTs, राइट? यानी कि सीड, राइट? तो ये बेसिकली जो स्कीम है वह DNTs वर्ग के फाइनेंशियल या इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट के टर्म में है। अब DNTs क्या है इसको भी समझ लेते हैं। जो मतलब कि भारत देश में बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, राइट? जो एक तरीके से जिसमें हम बोलते हैं कि OBC है, SC ST है, जनरल है, राइट? तो एक तरीके से खाना बदोश कम्युनिटी भी इंडिया में पाई जाती है, या इंडिया में क्या कई देशों में पाई जाती है। मतलब ये क्या है कि इनका कोई फिक्स स्थान नहीं रहता है, ये खाना बदोश जैसे बोला जाता है कि अपना स्थान बदलते रहते हैं रोजगार के हिसाब से, मौसम के हिसाब से।
तो इस वर्ग को, इस कम्युनिटी को एक तरीके से इकोनॉमिकल जो एम्पावरमेंट है उसके टर्म में एक तरीके से लाया जा सके, या इनको इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से एम्पावर किया जा सके, राइट। तो उसके पर्पज से ये स्कीम है जिसका नाम है सीड। अगर इसके मुख्य दो बिंदुओं की मैं बात करूं, वैसे तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन अगर दो पॉइंट्स की मैं आपको बात बताऊं इसमें, तो ये दो पॉइंट्स ये हैं कि इस स्कीम के माध्यम से जो यहाँ पे एक तरीके से डीएनटीज है, यानी कि डीएनटीज में डी नोटिफाइड नोमैडिक नोमैडिक आते हैं एंड सेमी नोमैडिक वर्ग आता है, बेसिकली जिसको हम खानाबदोश कम्युनिटी बोल रहे हैं। इन वर्ग के, इन कम्युनिटी के जो अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनको एक तरीके से डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए तैयार भी करना है, और डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बैठने का भी ये मौका दिया जाएगा इस स्कीम के माध्यम से। मतलब इन बच्चों को हर तरीके की मदद दी जाएगी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के टर्म में, राइट। तो एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि एक तरीके से इन कैंडिडेट को लेकर और कुछ और जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनको एक तरीके से यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस भी दी जानी है, यानी कि बीमा भी उनका किया जाना है, राइट। वैसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप उनको डिटेल में पढ़ सकते हैं, लेकिन ये दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना चाहिए। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द क्विट टोबैको ऐप टू हेल्प पीपल टू क्विट टोबैको? लोगों को तंबाकू छोड़ने में मदद करने के लिए किस संगठन ने क्विट टोबैको ऐप की शुरुआत की है? यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, यूनिसेफ, यूनेस्को, WHO या AFO। तो चलिए करेक्ट ऑप्शन जानते हैं। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है WHO। जी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने यहाँ पे क्विट टोबैको ऐप की शुरुआत की है, राइट। तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैसेज जो जाना है वो यही है कि तंबाकू छोड़िए, इसके बहुत नुकसान हैं, राइट। कई बार वो नुकसान आपको तुरंत नहीं दिखते हैं, लेकिन उसके जो एक तरीके से जो नुकसान है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम में दिखता है, या एक तरीके से उसका जेनेटिकल इफेक्ट भी देखने को मिलता है, राइट। तो इसके बहुत सारे नुकसान हैं। ज़रूर आप में से अगर कोई तंबाकू खा भी रहा है तो मेरी रिक्वेस्ट ये ज़रूर रहेगी, बिकॉज कई बार मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट वर्ग में भी कई बच्चे जो हैं तंबाकू का एक तरीके से सेवन करने लगते हैं, वो चाहे जिस फॉर्म में हो, चाहे सिगरेट के फॉर्म में हो, चाहे वो जर्दा के रूप में हो, जिस भी फॉर्म में हो, आप तंबाकू से बिल्कुल दूर रहिए, बिकॉज इसके बहुत सारे नुकसान हैं, राइट। एंड नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली केसेस ऑफ लासा फीवर हैव बीन डिटेक्टेड इन ब्रिटेन, व्हेन वाज दिस फीवर फर्स्ट कंफर्म्ड? हाल ही में ब्रिटेन में लासा बुखार के मामलों का पता चला है, इस बुखार की पहली बार पुष्टि कब हुई थी? यहाँ पे ऑप्शन गिवन है, 1969, 1996, 2020 या 2021। तो चलिए करेक्ट ऑप्शन जानते हैं। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है 1969। जी भैया, बहुत पुराना ये बुखार है, राइट, हल्के में मत लीजिएगा। तो इसको हाल ही में कहाँ देखा गया है? ब्रिटेन में देखा गया है, राइट। इसके केसेस जो हैं ब्रिटेन में देखने को मिले हैं। तो आप यहाँ पे किस फीवर की बात कर रहे हैं? लासा फीवर की बात कर रहे हैं, नाम अच्छे से याद कर लें, राइट। और यह फीवर क्या होता है, इसके लक्षण क्या आते हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि जो लासा फीवर है, यानी कि जो लासा बुखार है, जिसे लासा रक्तस्रावी बुखार भी बोला जाता है, यानी शॉर्ट में इसको LHF भी बोला जाता है, राइट। तो ये आप दिमाग में रखिए अब्रिविएशन भी। तो LHF जो है वह इस रूप में भी जाना जाता है, और इसका जो एक तरीके से मतलब जो लक्षण है वो एक तरीके का रक्तस्रावी बुखार है, और यह लासा वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? लासा वायरस के कारण होता है, राइट। क्या है? लासा वायरस के कारण होता है, और इस वायरस का, ये जो वायरस है बेसिकली जो होस्टिंग करता है वो सबसे पहले एक तरीके से इसको चूहों में देखा गया था, राइट। तो लासा वायरस जो है एक तरीके से होस्टिंग करता है चूहों पे, और उसके बाद फिर क्या होता है, चूहों के माध्यम से ये आदमियों में फैल जाता है, लेकिन ऑब्वियसली जब आदमी को होगा तो आदमी से आदमी में भी फैलेगा, राइट। तो एक तरीके से इसकी जो होस्टिंग है, इसकी होस्टिंग की जो एक तरीके से स्पीड है वो अभी कम देखी गई है, लेकिन ये भी अपने आप में बहुत खतरनाक है। जनरली क्या है कि यह जो फीवर है या कई बार लक्षण लेकर नहीं आता है, मतलब कि कई बार जब आदमी इससे पीड़ित होता है या इसके संक्रमण में आता है तो आदमी के अंदर इसके लक्षण नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन जब लक्षण आते हैं तो आमतौर पर बुखार, कमजोरी, सिर दर्द, उल्टी और मांसपेशियों में दर्द भी एक ये लक्षण प्रमुख रूप से शामिल होते हैं, राइट। तो अपने आप ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी दिमाग में रख लें, राइट। और बात की जा रही लासा फीवर, और ये जो होता है वो लासा वायरस के द्वारा होता है, राइट। और पहली बार कब इसको देखा गया था? 1969 में देखा गया था, राइट। तो आप ये ईयर भी अच्छे से याद कर लें। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
Which state or union territory police has become the first police organization in the country to introduce smart card arms license? कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पुलिस स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाला देश का पहला पुलिस संगठन बन गया है? यहाँ पे ऑप्शन गिवन है, गुजरात पुलिस, पंजाब पुलिस, दिल्ली पुलिस या लद्दाख पुलिस। तो चलिए इसका भी करेक्ट ऑप्शन जानते हैं फटाफट। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है दिल्ली पुलिस। जी हाँ, दिल्ली पुलिस ने यहाँ पे ये शुरुआत की है। किसकी शुरुआत की है? स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस, राइट। तो ये इम्पॉर्टेंट है, और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है ये मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ डिटेल में, आप ये सर्च करिए। और एक तरीके से इसकी इम्पॉर्टेंस जो है वो यहाँ पे देखिए, स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस की बात हो रही है, राइट। तो उसके टर्म में इसकी इम्पॉर्टेंस ज़रूर बन जाती है। और एक तरीके से यहाँ पे जो भी टेक्निकल अप्रोच रखा गया है और इसके पीछे जो मकसद है, इन दो पॉइंट्स के टर्म में आप स्टडी जरूर करिएगा, इम्पॉर्टेंट है, राइट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Towards a resilient planet, ensuring a sustainable and equitable future is a theme of which global summit? Towards a resilient planet, ensuring a sustainable and equitable future, किस वैश्विक शिखर सम्मेलन का विषय रखा गया है, यानी कि थीम रखी गई है? यहाँ पे ऑप्शन गिवन है, एशियन समिट 2021, G20 लीडर्स समिट 2021, ईस्ट एशिया समिट 2021 या वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2022। तो यहाँ पे ऑप्शन गिवन है, इनमें से सही ऑप्शन देख लेते हैं। सही ऑप्शन यहाँ पे है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2022, यानी कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की बात हो रही है। और इस शिखर सम्मेलन की जो थीम रखी गई है, जो विषय रखा गया है, दैट इज टूवर्ड्स अ रिसाइलेंट प्लैनेट इंश्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर, राइट। तो ये थीम अच्छे से याद रखें, और किसकी रखी गई है? वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। इस समिट को भी आप अच्छे से याद रखें, राइट। मैं आपको बता दूं कि यह जो समिट है वह 21st समिट है, 21st एडिशन है। क्या है? 21st एडिशन है इस समिट का, राइट। तो ये एडिशन भी अच्छे से याद रखें। और यह जो एडिशन है, या मुख्य रूप से यह जो एक तरीके से समिट है, वह द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, जिसको टेरी बोला जाता है, उसके फ्लैगशिप प्रोग्राम में आता है, या एक तरीके से उसकी तरफ से इसको आयोजित किया जाता है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है टेरी, इस इंस्टीट्यूट को भी आप अच्छे से जरूर पढ़ लें, राइट। टेरी की बात हो रही है, टेरी का मैंने फुल फॉर्म आपको बता दिया है, राइट। टेरी का मतलब बेसिकली है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका नाम भी अच्छे से याद कर लें, और इसी के माध्यम से इस समिट को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, और ये 21st एडिशन है, राइट। और मैं आपको बता दूं कि यह जो समिट है वह 16th से लेके 18th फरवरी तक होना है। कब से कब तक होना है? 16th से 18th फेब 2022 तक ये होना है, राइट। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट इसलिए भी है बिकॉज ये जो थीम है अपने आप में एक तरीके की अम्ब्रेला थीम है, और अम्ब्रेला कोई भी थीम हो, कोई भी स्कीम हो, तो आप जरूर वहाँ पे समझ जाते हैं उस वर्ड से ही। मतलब ये होता है कि उसमें एक तरीके से बहुत सारी थीम्स को, बहुत सारी स्कीम्स को, या बहुत सारे मिशंस को इंक्लूड किया जाता है। अम्ब्रेला मतलब कि एक तरीके से छतरी, जिसके अंडर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, राइट। तो उसी तरीके से ये जो शिखर सम्मेलन है वो भी एक अम्ब्रेला थीम के साथ शुरू किया गया है, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाने हैं। आप डिसीजंस किन फील्ड्स के होंगे, आप यहाँ पे नाम से ही समझ जाइए, टूवर्ड्स अ रिसाइलेंट प्लैनेट इंश्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर, राइट। तो एक तरीके से यहाँ पे एनवायरमेंट की भी बात की जा रही है, डेवलपमेंट की भी बात की जा रही है, और जो डेवलपमेंट होगा वो एक तरीके से एनवायरमेंट को कंसिडर करके रखा जाएगा, राइट। तो उसके टर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इसको अच्छे से याद कर लें। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन कॉन्ग्लोमरेट वेदांता हैज टाइड अप विद विच कंपनी टू फॉर्म अ जॉइंट वेंचर टू मैन्युफैक्चर सेमीकंडक्टर्स इन इंडिया? भारतीय समूह वेदांत ने भारत में सेमीकंडक्टर्स के निर्माण के लिए एक संयुक्त उद्यम बनाने के लिए किस कंपनी के साथ करार किया है? यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, एसर, एसस, इंटेल या फोक्सकॉन। करेक्ट ऑप्शन है फॉक्सकॉन। जी, फॉक्सकॉन के साथ भारतीय समूह वेदांता कंपनी ने ये करार किया है, और जो करार है वो ये है कि सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग करना है, सेमीकंडक्टर्स का निर्माण करना है। ऑब्वियसली जब ऐसा होगा तो इंडिया क्या कर पाएगा, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की भी एक तरीके से एक्सपोर्टिंग कर पाएगा, राइट। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको मालूम है कि यह जो दुनिया है, आज की जो दुनिया है, वो बेसिकली IoT की दुनिया है, यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स की दुनिया है। और इंटरनेट ऑफ थिंग्स की दुनिया में जो टूल्स यूज किए जा रहे हैं, जो गैजेट्स यूज किए जा रहे हैं, उसमें सेमीकंडक्टर का बहुत बड़ा रोल है, और आने वाले समय
समय में भी इसका डेफिनेटली बहुत बड़ा यूज होने वाला है। तो इसी पर्पज से या इसी उद्देश्य से इंडिया जो है बेसिकली अब सेमीकंडक्टर्स के मैन्युफैक्चरिंग में अपने कदम बढ़ा रहा है, ताकि दुनिया भर में जो सेमीकंडक्टर जो डिवाइसेज हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग में अपनी एक तरीके से अहम भूमिका निभा पाए भारत। राइट, आपको तो इतना मालूम ही है कि इंडिया का एक तरीके से सॉफ्टवेयर फील्ड में पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, लेकिन अगर सेमीकंडक्टर्स में हम अग्रणी भूमिका निभा पा रहे हैं तो डेफिनेटली अपने आप में ये बहुत बड़ी बात होगी। राइट, अभी बेसिकली अगर यहाँ पे देखें तो इंडिया अभी तक जो एक तरीके से रहा है या अभी भी इंडिया बेसिकली जो सेमीकंडक्टर्स हैं या जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेज हैं या जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं उनका इंपोर्टर रहा है। राइट, और उनके इंपोर्टर के तौर पे ही वो क्या करता है, बहुत सारे डिवाइसेस को बहुत सारे टूल्स को असेंबल करता है और एक फाइनल प्रोडक्ट तैयार करता है, तब जाके कहीं उसको कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट कर पाता है। लेकिन सेमीकंडक्टर्स में अगर यहाँ पे हम अपनी पकड़ बना पा रहे हैं तो डेफिनेटली सेमीकंडक्टर्स की डिवाइसेस को भी हम मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। राइट, और वो भी अफोर्डेबल प्राइसेस में, तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो वेदांता समूह है उसके द्वारा ये जो इनिशिएटिव रखा गया है, जो करार किया गया है, इस करार को डिटेल में जरूर पढ़ें कि ये किस पर्पज के साथ और एक तरीके से इसका इनिशिएटिव क्या रहने वाला है सेमीकंडक्टर्स के मैन्युफैक्चरिंग में। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है इकोनॉमिक एंड कॉमर्स सेक्शन में। राइट, तो दोस्तों यही थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। डेफिनेटली आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या आपको एक तरीके से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद तो मिलेगी ही मिलेगी। राइट, मतलब कि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को आप जरूर इन क्वेश्चंस के बेसिस पे सॉल्व कर पाएंगे अगर आप लगातार करंट अफेयर्स की सीरीज से जुड़े हुए हैं। और इस सीरीज में जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल आपको बताई जाती है उसको आप जरूर नोट कर रहे होंगे और उस नोटेड जानकारी का रिवीजन भी एग्जाम टाइम में जरूर करके जाइएगा। राइट, तो अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो उसको आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोज आपसे मिस ना हो। और अगर आप ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर्स पढ़ना चाह रहे हैं तो आप हमारी साइट पर जाइए, वहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स की एक तरीके से पॉइंट वाइज डिटेल नॉलेज दी जाती है, ताकि आप उसको आसानी से पढ़ पाएं, याद कर पाएं और उसको नोट भी कर पाएं और इस नोटेड जानकारी का एग्जाम टाइम में रिवीजन करके जा पाएं, इसका एडवांटेज ले पाएं और वहां पे आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। राइट, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे, एंड थैंक यू।